परमपिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है। जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम कीता, दया कीती, भगती दा दान दिता है और आपका जश करन दा मौका दिता है, पर इस गरीब आत्मा ते इस तरह दया करी उस परमात्मा कृपाल ने, जिस तरह रविदास ने धोबी की लड़की ते दया की। मैं हमेशा ये कहानी सुनाना हुना है क्योंकि ये मेरे ते खास टुकदी है। राजे पीपे नू बड़ा परमार्थ का शौक सीगा, घर विच मंदिर बनाया सीगा, क्योंकि असी लोग कोई परमात्मा नूं पाउण वास्ते आपो अपने अपाओ बहुत करदे हैं, मन बुद्धि दे नाल बड़ा खोजदे हैं, लेकिन ये सब कुछ उस परमात्मा ने आपदे हाथ में रखिया है कि किस दा टाइम आ गया है, मैं किस नूं आपदे पास बुलाउणा है। ये सब कुछ ओ करन कारण है, उन्हें खुद ही आपदे मिलाउण दा जरिया जीवां वास्ते रख्या हुंदा है कि इहनू मैं कद बुलाउणा है। तो आवाज़ उस मंदिर चो आउण लगी, क्योंकि मंदिर अंदरे ही महल दे बनिया होया सीगा, कि पीपा पूरा गुरु खोज, नहीं तां काल खलन काल देवेगा। खोज होई, अहलकारां नूं बुलाया, कोई पूरा गुरु इस वेले है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा सी कि संतां बगैर संसार सुना नहीं रहिंदा गा, वो हमेशा ही आउंदे है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे कि सच्चाई दा कदे भी बी नाश नहीं हुंदा गा, वो हमेशा ही प्रगट हुंदी है। सवाल साडा देखण वालिआं दा है। अहलकारां ने दस्सिया कि देखो जी, कबीर साहब तां चोला छड्ड गए है, रविदास महात्मा है, शौक सी, ख्याल आया कि बड़ी अच्छी गल है, महात्मा नूं मिलना चाहीदा। मसला जाति पाति दा है, क्योंकि वह जवाना जिहड़ा सीगा छूत छात बड़ी सी, प्यारे ओ गंगा दा पुरब लग्या सी, ख्याल आया कि पब्लिक का ध्यान उधर पूर्व की तरफ वटिया होया है, मैं हुण जावां, मौका ठीक है, क्योंकि वह क्षत्री राजपूत सीगा, वह जाति का चमार सी। जब अगे गए वह कुंड दे विच्चों पानी टिंड दे नाल पा रहा सीगा, महात्मा नूं दया आई। ये उन्हां दा अपना तरीका हुंदा है कि असी कदों किसी का बर्तन जिहड़ा है वह भरना है, किस तरीके नाल भरना है। ख्याल आया कि यह राजा होके मेरे घर आया है, इहनू कुछ ना कुछ ऐसी दात देवां जिहड़ा याद रखे कि महात्मा की हुंदे है, यह की आखेगा मैं किसी महात्मा ना मिलिया सीगा। वह कहिंदे अच्छा बे राजा, तू पानी पी। मैं दसदा हुंना कि प्यारे जिहड़ा मन है ये वकील दी तरह इंसान दा पिछा नहीं छड़दा गा, अंदरों ही समझाउंदा है। इस वास्ते दिल च ख्याल उहदे पैदा करता मन ने कि भई तू कितें चमार ना हो जावें, चमार दे हथ दा पानी पी के। लेकिन महात्मा दा रोब भी हुंदा है, ना भी ना कर सकिया। जद उसने इस तरह बुक कीते, खुली बांह दा कुड़ता सी जैसे कि मेरे पहनिया होया है, पानी थले दी सिटी गया, वह कमीज पैंदा रहा। ख्याल आया करे आके धोबी नूं बुलाया, कहण लग्या देख बई खड़े घाट दे विच इहनूं साफ करके लिया, कन्नों कन्न किसे नूं ग्यान ना हो जावे। धोबियां दा कायदा हुंदा है कि जदों ओह कपड़े दे दाग है जिहड़े चूसदे है वह तां थुक बाहर सिट दिंदे है। लड़की नूं कहा मैं पट्ठी तैयार करदा है, तू इहदे दाग चूस दे। वह नाबालिग बच्ची सी, जद वह दाग चूसण लगी वह अंदरे नगाउण लगी। हुण परम संतां दे हथ दा
वो पानी सीगा जिमें जिमें अंदर लंघता गया पढ़ते खुलते गए ग्यान ध्यान दिया बातें होने लग पियां। पड़ोस महल्ले पता लग्या कि फलाने धोबिया के घरे लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ा ग्यान ध्यान जानती है, महात्मा है। हुण राजे दे दिल दे विच परमात्मा दा शौक सी, ख्याल आया कि उस लड़की पास चलिए। रात नूं उस लड़की दे पास जदों गया, लड़की देख के उस नूं उठ खड़ी। वो कहण लग्या, देख बेटी, मैं तैनूं धोबिया दी लड़की समझ के नहीं आया, मैनू परमार दा शौक है। वो कहण लगी, मैं तैनू राजा समझ के खड़ी नहीं हुई, जो कुछ राज सीगा वो तेरे कुड़ते दे अंदर ही सी, मैं तेरा धन्नवाद करन वास्ते खड़ी हुई हैं। सो प्यारे, वो इसे तरह वो परमात्मा कृपाल रहम दा समुंदर जद उछलिया, मैं दसदा हुंदा ना तां मैनू उदे बारे किसी ने कदे निंदिया सुनाई सी, ना कदे वड्याई कदे करके दसी सीगी। मैं अपनी खोज मका चुकया सीगा, बड़ा ही खोज कीती, लेकिन जो थक गया चूर होके बैठ गया, वो रहम दा समुंदर उछलिया। उन्हें खुद ही इत्थों 500 किलोमीटर तो अपने प्रेमी भेजे, वो प्रेमी अजे जीवित है के करे रवे, मैं आना है मिलना है। मैं 6 महीने पहला मकान बना रहा सीगा, उन्हां दी याद दे विच ए अंदरला ही अनुभव सी कि किसी महाराज ने इत्थे आना है। जब मैनू कोई प्रेमी पुछदे सीगे कि वो महाराज कौन है, मैं की दसदा, मैं आख्या मैं ये नहीं कह सकता। खैर, जिस दिन वो परमात्मा कृपाल गया, मैं वो सारे प्रेमी जिन्हां नाल मैं कहिंदा हुंदा सीगा बुलाया। इसे तरह सत्संग दा माहौल सीगा, क्योंकि मेरे पास पहलां तो प्रेमी लोग आउंदे हुंदे सीगे, क्योंकि मेरा बचपने तो ही इस पासे ख्याल लग्या होया। सत्संग दा माहौल कोई मैं अज नहीं चलाउंदा, ये बचपने तो ही चल रहा सीगा, क्योंकि बचपने तो ही मैनू लगन सी, प्यार सी परमात्मा दी भगती दा। सो इस वास्ते उसने जिवें धोबिया दी लड़की दे उत्ते दया कीती, इसे तरह इस गरीब आत्मा ते जाके दया कीती। मैं उस मिलाप दी घड़ी नूं बयान नहीं कर सकदा गा। सो इस वास्ते प्यारिओ, जितनिया भी ये मेरियां लेखनियां हन, ये मेरे अंदर आत्मा दी आवाज़ है, मेरे दर्द दी आवाज़ है कि हे परमात्मा गुरु कृपाल, मेरी तेरे नाल बड़ी प्राणी प्रीत है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा दी अंश है, उस परमात्मा तो विछड़ के संसार दे विच आ गई है। जदों इस नूं फिर वो परमात्मा सामने आउंदा है कि उहनूं पछाण नहीं लौंगे। महाराज कृपाल खुद कहिंदे हुंदे सी, अगर तुहाडा दोस्त कपड़े बदल के आ जावे कि तुसीं उहनूं पछाणोगे नहीं। इस तरह जब थोड़ी आत्मा का परमात्मा थानू मिल जाए, वह प्यारे हो कि तुसी पछाणोगे नहीं। पंजाबी की कहावत है, लिया पछाण ये यार चरोका घुट गले न लाया। जो पछाण लिया ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पुराना यार है, कि तुसी उसनू घुट के गले ना नहीं ला लोगे, कि उहदा कहा नहीं मनोगे। ये उन्हां दी दया सी जिहड़ा मैं उन्हां दे आग्या का पालन कर सकिया। सो उन्हां दा भंडारे ते शब्द बोलिया सीगा, बड़े प्यार नाल इस नूं सुनो। तुमसे मेरी प्रीत पुरानी है कृपाल गुरु प्यारे, प्यारे कृपाल गुरु तुमसे मेरी प्रीत पुरानी है कृपाल गुरु प्यारे, प्यारे है कृपाल गुरु तुमसे। दरवाजा
बाजे पर पड़ा हुआ हूँ, हाथ पसारे खड़ा हुआ हूँ, दरवाजे पर पड़ा हुआ हूँ, हाथ पसारे खड़ा हुआ हूँ, अखियां प्यासी दर्श दिखाओ, दया करो प्रभु पार लगाओ, अखियां प्यासी दर्श दिखाओ, दया करो प्रभु पार लगाओ, दीन बंधु करुणा के सागर मेरी सुध कैसे बिसरानी है, कृपाल गुरु प्यारे प्यारे है, कृपाल गुरु तुमसे 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 मेरी प्रीत पुरानी है, कृपाल गुरु प्यारे प्यारे है, कृपाल गुरु तुमसे कृपा करी संत जन तारे, सतगुरु तुमने अदम उभारे, कृपा करी संत जन तारे, सतगुरु तुमने अदम उभारे, शिवरी के जूठे फल खाए, सब शरणागत कंठ लगाए, शिवरी के जूठे फल खाए, सब शरणागत कंठ लगाए, तुमने सबके संकट काटे, सबकी पीड़ा जानी है, कृपाल गुरु प्यारे प्यारे है, कृपाल गुरु तुमसे 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 मेरी प्रीत पुरानी है, कृपाल गुरु प्यारे प्यारे है, कृपाल गुरु तुमसे, हे सतगुरु मैं शरण तुम्हारी, तुम सागर मैं बूंद तुम्हारी, हे सतगुरु मैं शरण तुम्हारी, तुम सागर मैं बूंद तुम्हारी, तुम ही माता पिता और प्राता, मैं हूँ जाचक तुम हो दाता, तुम ही माता पिता और भ्राता, मैं हूँ जाचक तुम हो दाता, अजायब यही जन्मों की गाथा, यही जन्म जन्म की कहानी है, कृपाल गुरु प्यारे प्यारे है, कृपाल गुरु तुमसे 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 मेरी प्रीत पुरानी है, कृपाल गुरु प्यारे प्यारे है, कृपाल गुरु तुमसे। थोड़े अगे गुरु रामदास जी महाराज का छोटा जा शब्द रखा जाता है, संतां दी बाणी समझनी बड़ी औखी है, एक एक लफ्ज जिस बाणी का जिंदगी नूं पलट दिंदा है, असी की उहदी कीमत उतार सकांगे। बाणी विचारन वास्ते है, समझन वास्ते है, जे आपां
पढ़ के इस दियां कुरलियां करी जाइए तो वक्री गल है। गुरु रामदास के पास बहुत सारे कर्मकांडी लोग आए। कोई कहिंदा सीगा कि योग करन दे नाल मुक्ति है, कन्न पड़ाउण च मुक्ति है, कोई भगवे कपड़ियां दी सिफत करदा सी, कोई घर बार छड के जंगलां पहाड़ां दे विच जाण दी साधना दी आपदी वडियाई करदा सीगा। आपो अपने तरीके कर्मकांडी लोग उच्चे गिणदे है। यही गुरु साहब दे पास कहण लगे कि तुहाडे पास बहुत सारे प्रेमी आउंदे है, तुसी उहनां नूं ऐसा केड़ा साधन दसदे हो जिहड़े आम गृहस्थियां दे विच आपो अपने कारोबार करते हैं, आपो अपने रीति रिवाज करते हैं, जिन्हां दे नाल तुसी ये विश्वास दिंदे हो कि ये तर जाणगे, वो भी यकीन करते हैं कि हाँ असी तर जावांगे, असी मुक्ति दे दरवाजे दे उत्ते आ गए हैं। सो उन्हां कर्मकांडी लोगों नूं गुरु रामदास जी महाराज बड़े प्यार नाल समझाते हैं कि प्यारिओ वो परमात्मा जिहड़ा कण कण दे विच व्यापक है, वो ना तो कन्न पड़ाउण दे नाल मिलता है, ना तन दे उत्ते भगवे कपड़े पाउण नाल मिलता है, ना चिट्टे पाउण दे नाल मिलता है, ना वो घर बार पुत्र धियां छड्डण दे नाल मिलता है। वो तो तुहाडे सब तो नेड़े वो परमात्मा है। ना वो किसी बाहर स्वर्ण मंदिर दे विच है, ना किसी पहाड़ की चोटी दे विच है। अगर कोई सच्चे तो सच्चा गुरद्वारा है, ठाकर द्वारा है, जिदे विच वो परमात्मा रहिंदा है, जिदे विच वड़ के ही असी अंदरों ज्ञान हासिल कर सकते हैं, वो साडा शरीर है, साडी देह है। गुरु रामदास अमरदेव जी महाराज कहिंदे है हर मंदिर इहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। प्यारे ओ सच्चे तो सच्चा अगर कोई हरी मंदिर है जिथे परमात्मा रहिंदा है, जेड़ा परमात्मा ने खुद बनाया है, वो साड़ी देह है, साड़ा वजूद है। इस वास्ते आपा की करते हैं, जिथे तो संत महात्मा सानू दसदे है कि परमात्मा रहिंदा है, उहदे अंदर तो आपा दाखल नहीं हुंदे, ना आपा दाखल होण दी सोचदे ही हैं। आपां सोचते हैं कि जेडे असी अपने हत्थां पैरां नाल उहदे रहण दीआं जगह बनाईआं हन, शायद उहनां विचों परमात्मा बैठा होया है। आप ही उसने कबीर साहब ने कहा सीगा बनाउने हैं, आप ही उत्थे मत्थे टेकदे हैं, फिर आपां उत्थे बड़े अच्छे नियम बनाए हुंदे है कि इत्थे शराब नहीं पीणी, इत्थे मीट नहीं खाणा गा, इस मंदिर विच भैड़ा खोटा कर्म नहीं करना गा, इहदी सफाई जरूरी है। लेकिन जिहड़ा मंदिर परमात्मा ने बनाया है, जिहदे विच उह खुद बैठा है, इहदे विच आपां कदे मीट पाउने है, कदे शराब पाउने है, कदे इहदे विच नाल आपां भैड़े खोटे उह हरकतां इहदे नाल करदे हैं कि जिहड़ियां याद करके शर्म भी आपदे गलमे विच आउंदी है कि असीं इस परमात्मा दे मंदिर दी सफाई कने कदे ध्यान कीता है। तुसीं देख लो गंदी कोठड़ी दे विच किसे बादशाह दा आउणा किस तरह नामुमकिन हुंदा है। ममूली जे रिश्तेदार ने आउणा होवे, भैण भरा ने आउणा होवे, आपां किस तरह घर दी सफाई करदे हैं। दिल च ख्याल आउंदा है कि साडे किते घर नूं ओह निंद ना जावे, बुरा भला ना कह दे, ओह कहे वी इह तां मेरे बैठण दे काबिल नहीं गा। आपां किन्नी सफाई करदे हैं, किस तरह उत्थे DDT वगैरह दवाइयां छिड़कदे हैं। कदे ये सोचा है कि वह परमात्मा उच्चा सुचा सचखंड दे रहण वाला जिहड़ा मैल तो रहत है, वह साढ़े शराबियां कबाबियां दे मंदरां विच कदे आके रहेगा? इत्थे आके असी फिर नास्तक हो जाने हैं। असी ये सोचते हैं कि असी हर रोज मंदिर भी जाने हैं, गुरुद्वारे भी जाने हैं, मसीह च भी जाने हैं, सानू परमात्मा मिलिया नहीं, अगर परमात्मा होवे तो सानू ना मिले। वो प्यारे जिहड़ा कुछ आपां उत्थे मंदरां दे विच गुरुद्वारियां दे विच सुनदे हैं उस ते अमल भी करो कि बाणी सानू की कहिंदी है, ये बाणी सानू की कहिंदी है, मुक्ति कादे विच कहिंदी ये दसदे है। सो इस वास्ते गंदी जगह कुत्ता नहीं बहिंदा गा, प्यारे वह भी पूछना जगह साफ कर लैंदा है। वह परमात्मा नूं अगर असी आप दे अंदर बिठाउणा है, सानू उहदे वास्ते जगह पहला बनाउणी पएगी।
तुलसी साहब ने कहा सी, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसके बैठाने के लिए सब तो पहला उस जगह जिथे परमात्मा नु बिठाना है उसनु साफ करो। गैर कौन है? परमात्मा तो बगैर जो कुछ भी असी अखा नाल देखते हैं इन्हां विच साडा कोई है? जब मौत आउंदी है ओ प्यारिओ, ना माता साथ जांदी है बेटे दे, ना बेटा माता दे साथ जांदा है, ना पति पत्नी दा साथ दिंदी है, ना जिहड़ा सारी जिंदगी आपां धन दौलत कमाउने है उही अपना कोई साथ दिंदा है, ना कोई हुक्म ना हुकूमत, सब कुछ आप इतने छड़ जाने हैं, जिदे नाल आप किन्ने कीमती समा गुजारते हैं, जिन्ना नाल इन्ना मोह करते हैं, अंत वेले की हुंदा है? वो चुक के या अग्नि दे सुपुरद करे आउंदे है, जां मिट्टी दे सुपुरद करे आउंदे है, लेकिन जिहड़ा साडा अपना है उहदे खातर असीं कदे सोचिया नहीं। साडा इको परमात्मा है, या जिसने परमात्मा दे नाल सानू जोड़िया है। इस वास्ते आप गुरु रामदास जी महाराज इस शब्द के विच दसदे है कि प्यारियो, संसार चो तरन की तो एको ही जुगती है, जप मन हर हर नाम तरावान। असी ये तो सारे समाज वाले लोग मनते हैं कि मुक्ति नाम विच है, पर इत्थे आके भुल जाने हैं कि वो नाम केड़ी वस्तु है। पलटू साहब ने कहा सी, नाम नाम सब कहत है, नाम ना पाया कोई, नाम ना पाया कोई, नाम की गत है न्यारी। आप प्यार ना कहते हैं जिस नाम नाल मुक्ति होनी है वो ना किसी भाषा का लफज है, ना वो इंग्लिश दे विच लिखा जाता है, ना हिंदी दे विच लिखा जाता है, वो बिना बोलिया कानून है, बिना बोली भाषा है। इस वास्ते वो शब्द वो नाम जिदे ना मुक्ति है वो साढ़े अंदर वो गुरु तरदा है, जेड़ा सत पुरुष जिन्हें जानिया सतगुर तिसका नाओ। प्यारे जिसने जिंदे जी कोई साधना कीती है, जिन्हें सत पुरुष दे नाल संपर्क कीता है, जेड़ा सत पुरुष का रूप हो चुकया है, सत पुरुष जिन्हें जानिया सतगुर तिसका नाओ, तिसका संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ। ऐसा महात्मा जिंदगी दे विच, कबीर साहब कहिंदे सिंघों के लहेंदे नहीं, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरियां, साध न चले जमात। लालां दीआं बोरियां नहीं हुंदियां गियां, साधुआं दी इज्जत नहीं हुंदे गे, बड़े विरले विरले ओटन में को जो भजन राम को पावै करोड़ां दे विच। मैं दसदा हुंना किसे महात्मा दे चरणा विच जाण तो पहला उहदी जिंदगी पढ़ो। ये जिंदगी दा सवाल है प्यारे मित्रो, ये आत्मा दा सवाल है कि उहने कोई 10-20 साल शब्द नाम दी कमाई करी, कोई उहने कुर्बानी करी, कोई खोज करी, कि जिंदगी च कदे अभ्यास भी कीता है? कबीर साहब ने कहा कि इस तरह ना पढ़दे कदे खुलदे आ, ना खुल ही सकदे है। तुसी भजन च पढ़दे हो, रंग रलियां माणदिया पढ़ते नहीं खुलते, करनी पे कमाई। अगर रंग रलियां माणदिया पढ़ते खुलते होंगे तो कबीर साहब कहते सुखिया सब संसार है खाए अर सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अर रोए। तुसी देख लो बाबा जयमल सिंह की ईशी पढ़ लो, उन्होंने कितनी खोज की, कितना अभ्यास किया। महाराज सावण सिंह कई कई रात अंदरों नहीं निकलते सन, जे नींद गराउंदे तां उन्होंने एक वड्डी विरागण बनाई हुई सी जिहदे उत्ते उह खड़ के अभ्यास करदे सन। इसे तरह महाराज कृपाल ने रावी नूं, जिहदा पानी बड़ा ठंडा है, उस नूं चुणिया आपदे अभ्यास वास्ते, गलजट जिहदे पानी विच जाके खड़दे सीगे। फिर वह मिसाल दिंदे हुंदे सी, गूंगा पहलवान क्यों मशहूर होया बई? वो कसरत करता सी, मेहनत करता सी, साई साई रात जागता सी। इस वास्ते कोई ऐसा साधन साध साध जन निके, गुरु रामदास कहते हैं कौन साध है भाई जिन्हें साधना कीती है, जिन अंतर नाम धरी जाए।
परसन परस पे साधु जन हर भगवान दिखी जाए। ऐसे साधु दे नाल बात करनी, ऐसे साधु दे दर्शन करने रब दे दर्शन है। ठहराओ आउंदा दिल दे विच। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है उन्हां प्रेमियां नूं कि देखो प्यारियो मुक्ति दा साधन ता जप मन हर हर नाम तरावांगो। वो परमात्मा दा प्यारा मिले, वो सानू नाम दा साधन दसे, असी ओदी साधना करिए जी। कानड़ा महला चौथा पन्ना 1309। जप मन हरे हर नाम तरावे गो। जप मन हरे हर नाम तरावे गो। जो जो जपे सोई गत पावे। ज्यो त्रु प्रहलाद समावे गो। हुण गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे है कोई भी नाम नूं जपे, बुढ़ा जपे, बच्चा जपे, पंडित जपे, मुसलमान जपे, स्त्री जपे, मर्द जपे, कोई भी जपे। इत्थे जाति पाति दा सवाल नहीं गा। ध्रुव प्रहलाद छोटी उम्र दे सीगे, वो परमात्मा नूं मिल गए। मता दिल च ख्याल आवे कि शायद बच्चे भगती नहीं कर सकते। मैं दसदा हुंदा है कई दफा साडा वड्डियां दा ख्याल है जिहड़ा वो फैलिया हुंदा है, बच्चों का जिहड़ा ख्याल है वह ज्यादा फैलिया नहीं हुंदा गा। कई दफा बच्चों नूं गुरु आके दर्शन दिंदा हुंदा है। उबराए साहब आत्म जानते हैं, गोपी हुंदा सीगा मेरे पास छोटा जिहा लड़का, वह 4-5 साल का सी जदों परमात्मा कृपाल उहदी अच्छी तरह अंदरों अगवाई करदे सीगे। उहनूं सब कुछ दसदे सीगे। इस वास्ते प्यारे वो बच्चे जिहड़े है, बल्कि इत्थों तक एक 40 साल का ऊंठ लद रहा सीगा, उसनूं महाराज जी अंदरों कहण लगे कि ऊंठ लद लद के जे थकिया नहीं गा, इहनूं कहो दुकान खोल ले। उन्हें छोटी जी दुकान पिंड मांझूवास दे विच खोली, क्योंकि पहला जमीन मैं राजस्थान दे अंदर जाके मांझूवास च ही लई सी। इस वास्ते प्यारे उस तो बड़ी तरक्की कर गया। तो बच्चों के जिहड़े ख्याल हुंदे है ये बड़े जल्दी यक्षक हो जाते हैं, ये भोलियां आत्मा हुंदियां है, इन्हां दे उत्ते दुनिया की मैल घट चढ़ी हुंदी है। इस वास्ते गुरु रामदास जी कहिंदे है कि प्यारे कोई जपे किसे जाति का सवाल नहीं गा। बुल्ले शाह ने कहा सी तुहाडे दिल च यह ना ख्याल होवे कि असी पंडित हैं, शायद असी परमात्मा दे मिलदे हकदार हैं, या असी सिख हैं, या ईसाई हैं, या मुसलमान हैं। नहीं प्यारियो, जात पात पूछे ना को, हर को भजे सो हर का हो। उत्थे ना किसी ने थोड़ी जाति पूछनी है। कबीर साहब तो इत्थों तक कहिंदे डूबोंगे रे बापरे, बहु लोग उनकी कान, तब कुल किसका लाज से जब चक धरियो मसाण। तुसी इत्थे जाति पाति दी उलझण दे विच ही बैठे फसे बैठे हो। जदों लकड़ियां ते रख ले ओ प्यारियो, किने जाति पाति पूछनी है कि भी ये पंडित है इस नूं अग्नि ना लगे, या यह सिख है इस नूं अग्नि ना लगे। ओ प्यारियो, अग्नि किसी का लिहाज नहीं कर देगी। इस तरह कबर दे विच है, उत्थे कीड़े पै जांदे है। कबीर साहब ने कहा जब जरिया तब होए भस्मतन, रहे किरम दल खाई। आप कहण लगे या तो कीड़े खा जाणगे या भस्म हो जाएगी। सो प्यार ना कहिंदे है कि प्यारियो ये ध्यान च ना रहो, जो भी जपे पुन्नी जपे पापी जपे उसका ही उधार हो जाता है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे कि प्यारियो तुसी जिस दिन नाम ले लिया है उस तो बाद कान पकड़ लो, माफी मंग लो कि असी इदू बाद कोई बुरियाई नहीं करांगे।
फिर तो पापी का उदार हो जाता है क्योंकि उन्हें अगे वास्ते तौबा कर ली है। जे असी नाम लैके फिर शराबा कबाबा पींदे खाने हैं उ लोगों की चुगली उही निंदिया उही पैड़ा खोटा करम फिर तो माड़ा कुत्ता खसमे गाली। लोग ये भी कहणगे ये संतां कोले भी जांदा है ये भैड़ा खोटा कर्म भी करता है। सो प्यारियो नहीं ये कहिंदे आ नहीं बई जो जो जपे सोई गत पावे वड्डी उम्र दा छोटी उम्र दा जी। जो जो जपे सोई गत पावे ज्यों त्रो प्रहलाद समावे गो किरपा 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 कर हर जियो कर किरपा नाम लगावे गो। हुण असी ते सोचदे हैं जदो मर्जी है जाओ नाम तो महात्मा ने दे ही देना है। नहीं प्यारियो जिन्हां दीआं अखां खुलियां है वह बड़े प्यार नाल परमात्मा अगे फरियाद करदे है ये परमात्मा ने आपदे हथ विच रख्या है किहनूं मैं नाम दवाउणा है। जे उन्हें ना कृपा करे साडे दिल च इच्छा ही नहीं उठदी इस पासे आउण दी सोच भी नहीं सकदे प्यारियो असी जी। किरपा 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 कर हर जियो कर किरपा नाम लगावे गो कर किरपा सत गुरु मिलावो मिल सत गुर नाम ते आवे गो। संतां दी गुरुआं दी बाणी इस किस्म दी लिखी हुंदी है जे एक तुक दे अंदर उस दा सवाल है दूजी अपने आप ही स्पष्ट कर दिंदी है अर्थ खोल दिंदी है। आपने ओ परमात्मा अगे फरियाद कीती मैं दसदा हुंना है कि प्यारियो जे मेरे अपने वस हुंदा कि मैं परमात्मा कृपाल नूं मिल सकां तो मैं धूणे क्यों तपाउंदा जल तारे क्यों करदा घर नूं छड के जंगलां पहाड़ां दे विच मैं क्यों फिरदा। मेरे तां पिता ने मेरे वास्ते बड़ा ही कुछ सोचिया होया सी करदा सीगा मैनू पता है कि मेरे नाल उसका किन्ना प्यार सीगा उहदे कोले हर किस्म के साधन सीगे लेकिन प्यार प्यार ही हुंदा है तड़फ तड़फ ही हुंदी है वो तड़फ दे अधीन ही दिल च ख्याल आया कि परमात्मा नूं मिलना चाहिदा है। उहनूं उच्चियां नीवियां जगह हर जगह ढूंढण की कोशिश की जिवें किसी ने कहा उहनूं शरदा नाल प्यार ना किया। जद मैं धूणे तपा के बाबा बिशन दास कोल गया जिन्हां तों मैनूं दो शब्द का भेद मिलिया सीगा उन्होंने कहा कि देख बेटा अग तो अंदरे बड़ी जल्दी है जे बाहर होर पिंडा सड़ा लिया उहदे नाल की तैनूं शांति आ गई। कहिंदे देख काम दी अग है अग है काम दी तां असीं पूर्ति करन वास्ते ओ प्यारियो बेशर्म हो जाने हैं असीं रिश्ता ही भुल जाने हैं भई इह साडा की लगदा है। काम ही इन्ना बेशर्म हो जाता है उसनों कोले पे बच्चे भी नहीं दिसदे गे उसनों कोले खड़ा आदमी भी नहीं दिसदा गा। इस वास्ते क्रोधी जिहड़ा आदमी है वह वड्डे छोटे का ख्याल भी नहीं करदा गा कि मैं इहनूं बोलना या नहीं बोलना गा उस वेले वह भड़क उठता है। ये की है तत्काल दे पागलपन है। कबीर साहब कहिंदे है कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना होए भगत करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कबीर साहब तो इतों तक कहिंदे आ काम क्रोध लो मोह हंकार दी जब लग कटमे खान। क्या पंडित क्या मूर्खा इको दोने एक समान। जिन्ना चिकर थोड़े अंदर ये प्यारियो मैं दसदा हुंदा किसी नूं सवाल करन दा नहीं मता तुहाडे दिल च ख्याल होवे कि असीं पोथी पढ़ के इन्हां डाकुआं नूं वस कर लांगे या धूणे तपा के वस कर लांगे या असी जल धारे करके वस कर लांगे या असी किसे तो पढ़ा के पोथियां वस कर लावांगे। नहीं प्यारे तो खुद करना पएगा।
जिंदे जी करना पड़ेगा। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है, मैं आर्मी की मिसाल दिंदा हुंदा सीगा कि जिन्ना चिकर रूट है उन्ना चिकर उहदी गलती माफ हो जाती है, क्योंकि कानून का वाकब नहीं हुंदा गा। आर्मी के कानून का जो अच्छी तरह वाकब हुंदा फिर उस तो कसम चुकाउंदे है, जब फिर गलती करता वह तो उसका जनरल कोर्ट मास्टर हो जाता है। इस तरह जिहड़े लोग असी लोगों नूं समझाउण दे तां ठेकेदार हैं, लोगों का जिम्मेवारी चुकी है लेकिन आप नहीं किया। अगे दूनी मिला गुरु नानक कहिंदे सजाए, तुसी मिस्टर ओबराए ने किताब लिखी है उस दे अंदर भाई सुंदरदास दा तुसी इंटरव्यू पढ़ के देख लो, वो कोई एक अद्धे बंदे दा महाराज कृपाल दे सामने नहीं होया सी, संगति बैठी सी। किस तरह महाराज कृपाल ने उसनू कहा कि प्यारिया तू खुद ही अखां बंद करके देख और फिर दस कि नरकां दे विच जीव की कर रहे है। किस तरह जिहड़े लोग इत्थे टौंगर चा के दुनिया नू ठग के अपना उल्लू सीधा करदे है, उन्हां दी अंदर की हालत है। प्यारे हो जां तां इह कह दिओ कि दुनिया दे जिहड़े ग्रंथ है वह ऐवें महात्मा ने लिखे है, नहीं उन्होंने संतन की सुन साची साखी जो बोलन सो पेखण आखी। किसी की आत्मा का घात करना यह सब तो बुरा, सब तो पाप वो है जिहड़ा कदे ना लवे। अवरा को उपदेश ते मुख में पड़ है रेत, रास बरानी राख ते खाया घर का खेत। कबीर साहब कहिंदे आ दुनिया नूं असीं उपदेश करदे हैं, आपदा खलवाड़ उजड़दा है, लोगों की राखी करदे हैं, खुद भजन करदे नहीं, लोगों नूं कहिंदे तुसीं करो भाई, खुद दान करदे नहीं, लोगों नूं कहिंदे तुसीं दान करो भाई। गुरु नानक साहब तो यह कहते हैं कि गुरु पीर सदाए मंगण जाए ताके मूल न लगी पाए, काल खाए कुछ हथों दे नानक राह पछाणे से। महात्मा की जिंदगी नमूने की होंदी है प्यारे बच्चे, नमूने की वो खुद दसा नौहां की कमाई करता है, उस दे विचों लंगर च पाउंदा है, किसी गरीब की मदद करता है। ये नहीं कि आपकी कमाई करके खुद ही डकार मार ले। ऐसे महात्मा किन्ने कढोंगे, कोटन में कहू जो भजन राम को पावा है। ऐसे महात्मा की संगत जिहड़ी है वह हमेशा कामयाब है। इस इकट्ठ नूं संगत नहीं कहा जाता गा जिथे साडियां जेबां खाली करन दे उपदेश दिते जांदे है या वंडियां पाईयां जांदियां हन या एक दूजे की निंदा करी जाती है। सो इस वास्ते सब तो पहला वो परमात्मा अगे फरियाद करते हैं कि हे सतगुरु मैनू गुरु मेल, हे परमात्मा गुरु मेल, ताकि वो नाम ना मैनू जोड़ूगा, क्योंकि राम अक्षर दा मैं जाप जो मेरा 10 लख जाप सीगा जो मैं तूणे तपाए है, जे शांति सिर्फ राम कहना आउंदी हुंदी ते मैं बाबा बिशन दास दे कोले जाके क्यों थप्पड़ खांदा। मैं दसदा हुंदा कि सेवा दे के धन्नवाद करा लेना बड़ा सौखा है। लेकिन वो थप्पड़ लाउंदे सीगे, किसी नूं पास नहीं ठहरन दिंदे सी। सो इस वास्ते प्यारे हो उन्हें दसिया महात्मा ने कि देख भई काम की अग अंदर है, क्रोध की अंदर है, लोभ की अंदर है, मोह की अंदर है, हंकार की अग सब तो ज्यादा अंदर भड़कती है। ना कामी भगती कर सकता, ना क्रोधी लालची इस पासे आ ही नहीं सकता गा। भगती करे कोई सूरमा
कोई सूरमा बहादुर मन दे ना लड़ेगा। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कोई ऐसा महात्मा मिले जड़ा नाम दा रूप हो चुका है, जड़ा जिदा नाम दे नाल संपर्क है। ऐसा महात्मा नाम ना जोड़ सकता है जी। कारे कृपा सत गुरु मिलावो, मिले सत गोर नाम ते आवे गो, जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल ले जावे गो। इस मन नू पता नहीं असि किन्ने वारी इस संसार विच आए हैं, पशु बन के आए, दरख्त बन के आए, सप बन के किसी कीड़े दी जूनी विच आए तां भी इत्थे आए, इंसान बन के आए तां भी इत्थे आए। जद असि आउने हैं मैल लाउंदे हैं, लाउण दी कोशिश नहीं करदे गे। गुरु नानक साहब कहिंदे हैं जन्म जन्म की इस मन को मल लगी, काला होया सुहाव धोती खनली उजली ना होवे, चाहे सौ वारी धोबण जाओ। जड़ी कोलू दे अंदर ली रखी हुंदी है, पोचा रख्या हुंदा है प्यारे डाट लाउण वास्ते, ओनू जे आपां धोईए भावें धोबी भी जोर ला ले वह साफ हुंदी है, उहदे विच तां रच गया हुंदा तेल। यही साडे मन की हालत है। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि किस तरह भाई जन्म जन्म की जन्म जन्म किस मन को मल लगी हुई है, मिल संगत मल लै जाऊंगा। अगर असी महात्मा की संगत दे विच जाइए, महात्मा के कहण के मुताबिक शब्द नाम की कमाई करिए, कुछ तो असी महात्मा की संगत सुन के ही पाप छड़ने शुरू कर देने हैं, तौबा कर जाने हैं कि इदों मुड़ के असी ये कम नहीं करांगे। इस वास्ते कुछ ऐसे महात्मा कमाई वालियां दे दर्शन करके साडे पाप धुल जांदे हैं, कुछ असी खुद थोड़ी बहुती जिहड़ा सत्संग दे विच जांदा है उहनूं गलतियां दा पता लगदा है, वह थोड़ा बहुता अभ्यास भी करेगा जी। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल ले जावे गो, ज्यो लोहा तरेओ संग काष्ट, लग शब्द गुरु हर पावे गो। आप प्यार ना बड़ी एक अच्छी मिसाल दे के समझाते हैं। आप सूई भी लोहे दी पानी च गेरते हैं वह डुब जाती है, लखा मन लोहा जड़ा है वो आप काठ ना ला दिए तो वह तर जाता है, काठ की संगत करके तर जाता है। आपां नूं पता है किस तरह बेड़ियां दे नाल लोहा लग्या वह भी तरिया फिरदा हुंदा है। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है असी महात्मा ने, क्योंकि वह परमात्मा ने नाम का बेड़ा साज के महात्मा के हवाले किया हुंदा है। जो लोग उस बेड़े दे अंदर नाम दे बेड़े दे अंदर पक्के मानना मजबूत होकर बैठ जाते हैं, महात्मा पवसागर दी लहरां तो बचा के उन्होंने पार लै जाते हैं। जेड़े डावाडोल मनना उस बेड़े ते सवार हुंदे आ जां पकड़दे है वह पंबटरां दी न्याई इत्थे गोते खांदे रह जाते हैं। गुरु नानक ने भी कहा पार पवंदे डिठ मैं सतगुर बेड़े चाड़, कहण लगे कि मैं सतगुरु दे बेड़े ते चढ़े जाते जीव अखां नाल देखे। मैं भी इस शब्द दे विच एक च लिखिया होया प्रेमी पढ़ते हैं हमारे सतगुरु जैसा हमने ना कोई और देखा, उहदे विच यही दस्या है कि वह नाभक कृपाल सी। मैं अखां नाल देखिया कि कृपाल अज भी
ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜੋ ਅੱਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੀ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਇਹ ਆਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਚਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਸੋ ਭੇਖਣ ਆਖੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਤਰੇ ਉਹ ਸੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਵੇ ਗੋ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰਸ ਆਵੇ ਗੋ ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 100-200 ਆਦਮੀ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੀ ਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਰਸ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰਸ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਹੈ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਬ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਐਬ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰਸ ਆਵੇ ਗੋ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੱਢ ਪਾਣੀ ਚੀਕੜ ਪਾਵੇ ਗੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਸਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਰੇ ਕਾਸੀ ਨਹਾਏ ਮਥੁਰਾ ਨਹਾਏ ਨਹਾਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਤੀਰਥ ਫਿਰਾਏ ਮਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰੇ ਬਨ ਮੇ ਜਾਏ ਕਰੇ ਤਪ ਭਾਰੀ ਕਾਇਆ ਕਸ਼ਟ ਅਪਾਰ ਰੇ ਇੰਦਰੇ ਜੀਤ ਕਰੇ ਵਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਸਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਰੇ ਮੰਦਰ ਜਾਏ ਕਰੇ ਨਿਤ ਪੂਜਾ ਰਾਖੇ ਬੜੇ ਆਚਾਰ ਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ ਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜਗ ਸਾਰ ਸਾਧੋ ਸਤਸੰਗ ਜਗ ਸਾਰ ਰੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜ ਰੇ ਭਾਜ ਫਕੀਰ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕਨਕ ਔਰ ਕਾਮਨੀ ਭਾਗ ਲਾਗਾ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲਏਗੇ ਪਿਆਚ ਚਲਾਏਗਾ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੂੰ ਨਾ ਹੈ ਭਾਗਾ ਦਾਸ ਪਲਟੂ ਬਚੇਗਾ ਸੋਈ ਜੋ ਬੈਠ ਸਤਸੰਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਾ
महाराज कृपाल ने मैनु कहा सी कि देख बेटा जब तक पासा ले सको सत्संग ना छोड़ो। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे महात्मा ने संगत ते बड़ा जोर दिता है। किन्ना दी संगत? पूर्ण महात्मा दी संगत जी। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, काढ़ पानी चीकड़ पावे गो, भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावे गो। जिवें माता नु पुत्र प्यारे हुंदे है, परमात्मा नु आपदे प्यारे भगत इतने प्यारे हुंदे है जी। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावे गो, खिन खिन नाम दे वडियाई, सत गुर उपदेश समावे गो। साड़ी आत्मा ते तीन पड़दे है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। जद असी सिमरन दे जीरिए फैले ख्याल नूं अखां दे पिछे लियाउंदे है, स्थूल पड़दा लै जांदा है, अगे जाने है, सूक्ष्म है, कारण है। जब तिन्ने पड़दे ला के असी पार ब्रह्म दे विच पहुंच जाने है, साड़ी आत्मा नूं ये ज्ञान हुंदा है कि ना मैं हिंदुस्तान दे रहण वाली हाँ, ना मैं अमरीका दे रहण वाली हाँ, ना उत्थे औरत दा भेद है, ना मर्द दा, लिंग भेद भी उदू थले थले ही है। उत्थे पहुंचे हुए दी दृष्टि बदल जांदी है आत्मा दे उपर। ऐसे महात्मा दा ख्याल मन ते नहीं हुंदा, क्योंकि बिरयाई मन विच हुंदी है, उहनां दी नज़र आत्मा ते हुंदी है। इसे वास्ते वो सारे मुल्कां दे लोकां नू, सारे समाजां दे लोकां नू इकट्ठे करके बिठाउंदे है कि प्यारिओ तुहानू गलत फहमी है, आपां सारे एक पिता परमात्मा दे बच्चे हैं, आपां सारे उहदे बच्चे हैं, सारे भैण भरा हैं। आओ आपां बैठ के उसे परमात्मा दी आपदे पिता नू आपां याद करिए। गुरु अर्जन देव ने संदेश दिता, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लाए, हर नामा के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा बिछाए। एवें तुसी दुविधा दे विच फसे हो, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं सिख है, मैं ईसाई है। गुरु साहब कहंदे आ, बुरा भला तिच राखदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एक पछाणिया इको महे समाहे। गुरमुखा ने एक परमात्मा नूं पछाणिया, उसे विच ही जाके समा गए। मंदा किसनों आखी है शब्द देखो ले बुलाए, गुरु नानक साहब कहंदे आ तुसीं अंदर जाके उत्थे पारब्रह्म दे विच पहुंच के तो देखो। हालांकि जे दो मंजिला होर उपर जाना है, कहंदे जिहड़े पारब्रह्म दे विच वी पहुंच जांदे आ, साध गति नूं प्राप्त हो जांदे है, वह प्यारे उत्थे खिन खिन नाम दे वडियाई, उत्थे पता लगदा है। जो गुरु रामदास जी कहंदे है कि किस तरह नाम सानूं वडियाई दिंदा है। ऐसे महात्मा नूं असीं दुनियादार की वडियाई दे देंगे, ज्यादा तो ज्यादा असीं चंगा कह देंगे, चंगा कपड़ा विछा देंगे, नहीं। गुरु नानक साहब कहंदे जां का हुक्म दरगे चला है, सो किस को नजर ला आवा तला। कोई ऐसा महात्मा कि विशे बकारां दे विच फस जाएगा, दुनिया की माण वडियाई दे विच फस जाएगा, नहीं। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे, उन्हां नूं तां नाम की वडियाई है, दिन रात वो परमात्मा दे रहा हुंदा है जी। खिन खिन नाम दे वडियाई, सत गुर उपदेश समावे गो। गुरु रामदास जी महाराज कहंदे ए सतगुरु दा उपदेश है। उत्थे जाके असी उपदेश दे विच, उपदेश की है कि गुरु दे विच असी मिल जाने हैं। अमृत रस सतगुरु पियाया, उस जगह दे उत्ते वह प्याला लैके हमेशा सेवक की उड़ीक विच हुंदा है। दसवें द्वार प्रगट होया आया, उत्थे वह प्रगट हुंदा है।
उत्थे पता लगता है सतगुरु का उपदेश की है। गुरु का सेवक ज्यौंदा मरिया, इस वास्ते आप कह लगे उत्थे जाके पता लगता है कि सेवक कौन है, गुरु की दात दिंदा है, गुरु का उतले मंडलों के विच की आदर है, की ताकत अगे न्यूंदी है जी। किन किन नाम देव डे आई सत गुर उपदेश समावे गो भगत जन को सदा निव रहिए जन निवे ता फल गुण पावे गो। हुण आप प्यार ना कहंदे ऐसे मालिक दे प्यारियां तो असी किस तरह फायदा उठा सकते हैं निम्रता दे जरिए। जिवें तुसी भजन दे विच जद मैं आया इत्थे बोल रहे सी खैर नाम दी पाओ कृपाल जी, अजैब रहा है बोल। जब साडे अंदर ऐसी निम्रता आवे कि मैं मंगता है तेरे बूहे ते आ गया है, क्योंकि परमात्मा कृपाल ने आपदा जो मापिया ने नाम रखा सीगा उहदे उत्ते खरे उतरे। कृपाल का मतलब है कृपा करना, उन्हें कृपा की जो भी उन्होंने दर से आया। मैं उहदे दर दा मंगता बन के रहा है, अज भी है। खैर नाम दी पाओ कृपाल जी, हे कृपाल जी सानू नाम दी खैर पाओ। ये वो खैर है जेड़ी ना खांद्या मुके ना खर्जा मुके, ये वो खैर है वो प्यारे हो जिन्हू चोर चरा नहीं सकता, ठग ठग नहीं सकता गा, अग्नि साड़ नहीं सकती गी, हवा उड़ा नहीं सकती गी, यही जी दे नाल जांदी है। इस वास्ते गुरु रामदास कहंदे है भगत जन्ना को सद निव रहीए जां निवै तां फलगुण पाओगे। ओ प्यारे जे उन्हां तों को खटना है ते निम्रता दा शिंगार जी। भगत जना को सदा निव रहिए जन निवे ता फल गुण पावे गो, जो निंदा दोष्ट करे भगतां की हर नाखश जो पच जावे गो। आम ग्रंथां दे अंदर हरनाक्ष दी कहानी आउंदी है कि उन्हें भगत दी निंदा करी, कष्ट पहुंचाए, अज भी उस नूं फिटे लाणत पैंदी है। असी ये सोचते हैं महाराज सावण तां इत्थों तक कहिंदे हुंदे सी कि निंदा तां पापी दी गुनाह है, फिर वह कहिंदे हुंदे सी जिहदी तुसी निंदा करदे हो उहदे जिन्ने भी शुभ गुण है वह थोड़े खाते दे विच जमा होणगे, थोड़े जिहड़े शुभ गुण है उहदे खाते जमा होणगे, जिहड़े उहदे पाप आ तुहानू मिलणगे। महाराज सावण सिंह तां इत्थों तक कहिंदे सी अगले दी मैल खाण दे तुल है किसे दी निंदा करनी, वह फिर भी सानू ये लोगों नू चिंबड़ी हुई है, ये ना खट्टी है ना मिठी है। गुरु नानक साहब कहिंदे आ काम क्रोध पर हर निंदा। जे तुसी भजन अपना बनाउणा है, परमात्मा दी भगती करनी है, ये शर्तां तुहानू अवश्य पूरियां करनियां पैणगियां। निंदा छड़नी पएगी, काम दा स्वाद छड़ना पएगा, क्रोध दा स्वाद छड़ना पएगा। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि प्यारियो तुसी निंदा भुल के भी ना करो। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सी कि निंदा पापी दी माड़ी है, जे असी किसे नाम लेवा दी निंदा करांगे पता नहीं किहड़े नरके जावांगे जी। जो निंदा दोष्ट करे भगतां की हर नाखश जो पच जावे गो, ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा
तप तापन पूज करावे गो। थोड़ा आप प्यार ना कहिंदे आ, इत्थे जाति पाति दा सवाल नहीं। बर्मा दा जन्म कमल दे विच होया और ब्यास देव जिहड़ा चार वेदां नू मतके जी ने 18 प्राण बनाए, बड़ा ही परम ज्ञानी होया है, उहनां दा मशोदरी दे पेट विच जन्म होया। किस तरह रिखी मुनि उहनां दी पूजा करदे रहे है, इस वास्ते नाम कोई जपे। छोटी जात दा कबीर जुलाहा ते नाम जप उच्चा हो गया। सारी महिमा नाम दी है, किसे जाति दा जपे उही पूजा दे काबल है। कबीर साहब कहिंदे है, नाम जपत कोड़ी भला, चो चो पे जिस जाम, कंचन दे किस काम है, जे मुख नाही नाम। नाम जपन वाले दे भवें शरीर दे विचों रात चो चो पैंदी है, बनिस्बत उस बंदे दे जिहदी सोने च जे बलेटी हुई है, उहदे नाल अरबां दर्जे चंगा है। उहने सोने दी देह बलेटी वाले ने किधर जाणा है भाई, नरक दा समान बनाए बणाउंदा है। उह नाम जपण वाला आपदे घर वापस परमात्मा पास जांदा है, इस वास्ते आप कहिंदे आ उह उस तों चंगा है। सो ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावेगा। ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो। जो जो भगत होए सो पूजो, पर मन परम चुकावे गो। चाहे किसी भी जाति का भगत है पर होवे भगत, तुसी उस दे कहे लगो, ओदी संगत करो, ओदी सोबत करो। तुसी इस परम च ना रहो कि एक घट पढ़िया, असी ज्यादा पढ़े हैं, असी साड़ी जाति उच्ची है, इहदी नीवी है, या असी धनी है, ये गरीब है। ओ प्यारे हो, तुसी इस परम दे विच ना पो, तुसी आपदे जीवन नू सुफला करो। कबीर साहब ने कहा सी, कहत कबीर निरतन है सोई, जाके हिरदे नाम ना होई। असली निरतन कौन है, जिहदे कोले नाम ने। दुनिया दा धन दौलत की असी नाल लै जांगे, की मान वडेई जायदातां नाल लै जांगे, नाल जाण वाली चीज है जिहड़ी, उही साडा सच्चा धन है। गुरु नानक कहिंदे, बिन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम ते आमणिया। नाम तो बगैर थोड़ी किने मदद करनी है, किने थोड़े नाल जाना है। कल्ला आया है, कल्ला जाएगा, दूजा रब है अगर त्याएगा। ओ प्यारिया, कल्ला आया है, कल्ले ने जाना है। मुट्ठी बीच के इंसान जन्म लेंदा है, खोल के चलिया जाता है जी। जो जो भगत होए सो पूजो, पर मन परम चुकावे गो। जातन जात देख मत परमो, सुख जनक पगी लग त्यावे गो। गुरु रामदास जी महाराज कहंदे है, तुसी देख लो सुखदेव मुनि ब्राह्मण सी, राजा जनक क्षत्रि सी, किवें उहने जाके उसनू गुरु धारण कीता। जद गुरु धारण करके घर नू आउण लग्या, वेद व्यास ने पुछया कि बेटा गुरु किहे जिहा है। वो चुप, फिर कहिंदे कि वह सूरज वर्गा है। कहिंदे हाँ, तेज तां सूरज जैसा है पर सूरज दे विच गर्मी है। फिर गुरु चंद्रमा जैसा है, वो कहिंदे चंद्रमा दे विच दाग है, तब्बा है। गुरु बगैर दाग और बगैर तब्बे तो है। कहिंदे होर गुरु कस जैसा है, वो कहिंदे मैं गुरु दी महिमा बयान नहीं कर सकदा गा, गुरु गुरु वर्गा ही है। गुरु
नानक साहब ने कहा नानक गुर ते गुर पे देखो तिसकी रजाए, कहिंदे उहदी रजा है गुरु आप जैसे ही बना लिया मैनू। इस वास्ते आप कहिंदे गुरु की महिमा बयान कर सकते हैं। वह क्षत्री सी राजा जनक सुखदेव मुनि ब्राह्मण सी, पर जो परमार्थ का शौक होवे फिर भी वो जवाना ऐसा सी, थानू पता है जिथे कुछ देना हुंदा है उत्थे परख भी हो जाती है। तो सुखदेव मुनि नू राजे जनक ने मिलने का मौका नहीं दिता सीगा। उहदी उस बारी कोले खड़ा रहा जिथे कोई जूठियां पतलां सड़दा सीगा। फिर भी जिन्हां नू परमार्थ का शौक हुंदा प्यारे वो ना झूठ की परवाह करते हैं, ना थप्पड़ां की परवाह करते हैं, ना वो धन दौलत की परवाह करते हैं। उन्होंने तो एक ही दिमाग दे विच हुंदा है कि किवें ना किवें मैनू इत्थों वस्तु मिल जाए। भुखे नू हमेशा ही यह हुंदा है कि मैनू खाना मिल जाए। हाँ जातन जात देख मत परमो सुख जनक पगी लगत्यावे गो, झूठन झूठ पई सिरे ऊपर खिन मनुआ तिल ना डोलावे गो। बेशक राजा जनक किनिया ही उत्थे झूठियां पतलां सड़दा रहा उसनू भजाउण दी खातर, लेकिन उन्होंने आपदा एक सकेंट वास्ते मन नहीं डलाया, अपनी शरदा नू डोलन नहीं दिता, अपनी शरदा बनाई रखी। वह प्यारे हो फिर वह मालिक दे प्यारियां नू भी कुछ देना पैंदा है जी। झूठन झूठ पई सिरे ऊपर खिन मनुआ तिल ना डुलावे गो, जनक जनक बैठे सिंहासन नो मुनि तूर ले लावे गो। इतनी निम्रता मालिक दे प्यारियां विच हुंदी है के रिखियां मुनिया दी संगत दी धूड़ लैके मत्थे ना कि सानू हंकार ना आ जावे। इस वास्ते वह कहिंदे असी संगत दे जोड़े चाड़न वाले हैं, संगत उच्ची है, असी नीवे है। मुहम्मद साहब दी हिस्ट्री तुसी पढ़ के देखो, उन्होंने सारी जिंदगी संगत नू पहला सलाम नहीं बोलन दिता सी, पहले ही आप आके चुक जांदे सन। इसे तरह प्यारे हो मालक दे प्यारे अंदर किन्नी निम्रता है कि सानू हंकार ना आ जावे। इस वास्ते रिखियां मुनिया दी धूड़ी मत्थे ते लाउंदे सन कि असी गरीबी धारण करी रखीए तो साड़ी की हालत है। जे थोड़ा बहुता किसे नू अंदर चानण हो जांदा है उही दूजां दे कोले नहीं बैठदा गा, मैं इन्नी तरक्की कर गया है, मैं मेरी ये हालत है, या मैं इतना पढ़िया है। वह प्यारे किस चीज़ का हंकार है? गुरु नानक साहब कहिंदे है नानक ते नर असल खर जे बिन गुड़ गर्भ ग्रंथ। जिन्हां दे कोले ही कुछ नहीं गा, कोई परमार्थ नहीं, कोई किसी का फायदा नहीं कर सकते, अपना तो उन्होंने करना ही की सीगा। सो इस वास्ते आप कहिंदे वो असली गधे है। तो सानू चाहिए है कि आप दे अंदर आज ही बना के रखिए। गुरु अमरदेव गुरु रामदास जी महाराज वो परमात्मा रूप सन, परमात्मा नू मिले हुए सन। जे उन्होंने परमात्मा कह दिए तो कोई बुरी बात नहीं असी कह रहे, फिर भी किन्नी निम्रता आप धारण की, सानू किन्नी निम्रता दस रहे हैं कि प्यारे हो इन्नी निम्रता लियाओगे ता ही परमात्मा का जिहड़ा सराही है थोड़े कप दे विच, थोड़ा कप खाली होएगा ता ही सुराही चुकेगी जी। जनक जनक बैठे सिंहासन नो मुनि तूर ले लावे गो, ना
कृपा कर ठाकुर, मैं दासन दास करावे गो। गुरु रामदास जी महाराज छोटे जे शब्द के अंदर बड़े प्यार नाल दस्या कि मुक्ति नाम विच है, नाम संत सतगुरां तो मिलता है, गुरु पूर्ण उदो मिलते हैं जो परमात्मा साढ़े ते अपार अपनी दया करे। असी उदो ही उन्हां दी संगत दे विच जाने हैं जो असी अपने आप से दया करते हैं। सो इस वास्ते जिहड़ा भजन सिमर करना है ये प्यारियो अपने उत्ते दया करना हुंदा है, ये किसी के उत्ते आसान नहीं करना गा। हुण आप प्यार नाल कहिंदे आ कि हे परमात्मा तू साढ़े ते दया कर, ता ही असी तेरे दासां दे दास बन सकते हैं। नहीं तो भुलण मन जिहड़ा है ये हंकार का भरिया है, ये अपने आप ही पैदा विचों कर लैंदा है। तू सानू आपदे दासां दा भी दास बनाई रखी। नानक कृपा कृपा कर ठाकुर, मैं